हेलो गाइस, एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ अमेज़न और स्नैपडील तक सीमित नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी आपके नाम सामने एफिलिएट का कोई जिक्र करता है तो फट से दिमाग में नाम आता है, अमेज़न हो गया, स्नैपडील हो गया। देखिए, अमेज़न तो नंबर वन है ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनके एफिलिएट लिंक यूज करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो आज के इस चैनल में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और देखते रहिए कि कौन कौन सी है वो वेबसाइट्स और कौन कौन से है वो मीडियम जिनका एफिलिएट लिंक यूज करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो गाइस, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई वेबसाइट है, कोई चैनल है या कोई ब्लॉग है जिस पर आप एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, तो उसके लिए आप अगर आप सिर्फ अमेज़न डाल रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आप वहां पर नौकरी.com या इन सब जो जॉब वेबसाइट्स हैं इनके भी मतलब एफिलिएट लिंक होते हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जरा इमेजिन करिए, क्योंकि अब आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, अगर आप इस तरीके के एफिलिएट लिंक डालेंगे तो उससे आपके जो प्रोफेबिलिटी के चांसेस वो कितने ज़्यादा इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से अब अगर आपका कोई ऐसा चैनल या वेबसाइट या ब्लॉग है जिसके जो व्यूअर्स हैं वो 20 से 25 30 साल तक के लोग हैं, तो आप भारत मैट्रिमोनियल या शादी.com या इस तरीके की जो वेबसाइट है, जी हाँ, इनका भी लिंक होता है, एफिलिएट लिंक होता है। अगर आप नहीं जानते तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, इनका भी एफिलिएट प्रोग्राम आप यूज़ कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। गाइस, अब तीसरा मीडियम भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई वेबसाइट, ब्लॉग या चैनल ऐसा है जिस पर आप यात्रा से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं या लोगों को समझाते हैं या डेस्टिनेशन बताते हैं कि कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेस हैं जहां पर आप जा सकते हैं, समझ सकते हैं, और अच्छा खासा ट्रैफिक है आपका, लोग पसंद करते हैं आपके ब्लॉग, चैनल या वेबसाइट को, तो उस पर आप किसी ऐसी वेबसाइट का भी एफिलिएट प्रोग्राम डाल सकते हैं जो टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल, यात्रा.com पर ले लीजिए। अब इसका एफिलिएट प्रोग्राम आप ज्वाइन करिए और इसका एफिलिएट लिंक डालिए। अगर कोई उससे कहीं ट्रैवल करता है या होटल बुकिंग या ये सब चीज़ें करता है तो आपको इसके अच्छे खासे कमीशन मिलते हैं। अब जरा इमेजिन करिए कि ऐसा एफिलिएट लिंक आपको कितना फायदा दे सकता है, क्योंकि आप स्पेसिफिकली यात्रा या किसी डेस्टिनेशन के बारे में बता रहे हैं। अब चौथा ऑप्शन आपका, जैसे ब्लू होस्ट ले लीजिए। अगर मान लीजिए आप होस्टिंग से रिलेटेड कुछ बता रहे हैं या मतलब वेबसाइट से रिलेटेड कुछ बता रहे हैं, तो आप ब्लू होस्ट का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसी तरीके से एक वी कमीशन भी मीडियम है, media.net है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनका आप अगर एफिलिएट प्रोग्राम यूज करते हैं तो आपके आपको अमेज़न के अलावा भी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। देखिए, अमेज़न यूज करिए, आपको अमेज़न से अच्छा फायदा होगा, लेकिन अमेज़न अकेला ही नहीं है जो एफिलिएट प्रोग्राम देता है। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस भी इतना था कि हम आपको ये भी बता सकें कि ऐसी बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं जो स्पेसिफिक हैं अपने कस्टमर या टारगेट कस्टमर को लेकर के, और अगर आपका चैनल स्पेसिफिक है किसी पर्टिकुलर डोमेन में या किसी पर्टिकुलर मतलब टॉपिक पे, अगर आपका चैनल स्पेसिफिक है या आपका वीडियो सॉरी ये वेबसाइट या ब्लॉग स्पेसिफिक है, तो आप इनका भी एफिलिएट प्रोग्राम यूज कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। देखिए, ट्रिक्स बहुत सारी हैं, डिपेंड करता है आपको कौन सी सूट करती है। मैं हर चैनल में सॉरी हर वीडियो में अपने यही लोगों को बताता हूँ कि किसी एक चीज तक सीमित मत रहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। जो मैंने मीडियम बताया ये मुझे बताते, हो सकता है आपको उससे ज़्यादा पता हो, अगर पता हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट भी जरूर करिएगा। तो सीमित मत रहिए और नई चीज़ें एक्सप्लोर करिए और आपकी अर्निंग रैपिडली इंक्रीज करेगी। तो गैस, ये थे कुछ मीडियम्स एफिलिएट प्रोग्राम के जो आपको अमेज़न या स्नैपडील या इस तरीके की वेबसाइट के अलावा अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं जिनका एफिलिएट लिंक यूज़ करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।